अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे DLED एग्जाम 2024 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 26 मई 2024 की। बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, स्कूटनी रिजल्ट को लेकर क्या अपडेट है, बच्चे बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं स्कूटनी रिजल्ट का। और बात होगी फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर एग्जाम डेट सीट के बारे में, सेकेंड और फोर्थ। जी हाँ दोस्तों, सेकेंड सेमेस्टर प्रत्यावेदन की क्या अपडेट है, थर्ड सेमेस्टर में भी कुछ छात्र प्रत्यावेदन वाले। देखिए आप लोग लगातार अपने कॉलेज के संपर्क में रहिए, ठीक है ना, क्योंकि एग्जामिनेशन फॉर्म भरते समय आपका नाम तभी आएगा अगर आप प्रत्यावेदन की डिटेल्स पहले से कॉलेज में सबमिट करेंगे या कुछ अपडेट आए, ठीक है। पीएनपी की नोटिस का वेट सभी बच्चे कर रहे हैं कि भैया पीएनपी से कोई नोटिस आए। चलिए न्यूज़पेपर के माध्यम से कुछ और बड़ी खबर देखते हैं। बच्चों की संख्या के अनुपात में होगी शिक्षकों की तैनाती, स्कूलों से हटाए जाएंगे सरप्लस शिक्षक, 30 जून से पहले होगा कार्य, ठीक है ना। ये अपडेट आ रही है प्रतापगढ़ से, ठीक है ना। तो बच्चों की संख्या के हिसाब से ठीक है, नौकरी भी आती है जाती भी है। 10 लाख नौकरी का वादा अगले साल पूरा करेंगे नीतीश कुमार। सीएम ने गया के अतरी, भोजपुर के जगदीशपुर व गढ़नी में सभा को संबोधित किया, ठीक है। तो ये दोस्तों बिहार से अपडेट है। महंत के मोबाइल में महिलाओं के 300 से अधिक वीडियो मिले, चेंजिंग रूम में सीसीटीवी कैमरा मिलने का मामला है, महंत की तलाश में छापेमारी जारी है। देख सकते हैं दोस्तों क्या क्या हो रहा है आजकल, ठीक है ना। तो पूरी खबर अभी रखेंगे आपके सामने, इंपॉर्टेंट अपडेट ही है, ठीक है। तो प्रथम सेमेस्टर परीक्षा डेट सीट को लेकर क्या अपडेट है, और तृतीय सेमेस्टर परीक्षा डेट सीट को लेकर 26 मई सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट से क्या अपडेट निकल कर आ रही है। जी हाँ, यहाँ पर आपको कब तक ये नोटिस मिलेगी, जहाँ पर आपको डाउनलोड एडमिट कार्ड का विकल्प मिलेगा, ठीक है। सभी बच्चे बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं एडमिट कार्ड को लेकर। देखिए सबसे पहले आप लोग की एग्जाम सिटी, ठीक है, ये बात तो लगभग क्लियर मानी जाएगी कि जो आपने पहला विकल्प डाला है वहाँ पर आपका पेपर होगा, लेकिन ये 100% श्योर नहीं होता, क्योंकि आपने सीटेट फॉर्म भरते समय 4 विकल्प डाला होगा, 4 में से कोई एक विकल्प आपको मिलेगा। एग्जाम फॉर्म कब से भरे जाएंगे, डीएलएड स्कॉलरशिप का स्टेटस कैसे देखना है, ठीक है, यूपी टेट सुपर टेट का नोटिफिकेशन और पेपर की तैयारी, ठीक है, हर एक अपडेट इंपॉर्टेंट है। परीक्षाएं कब से होंगी, तो दोस्तों आपको बता दें पेपर हमारा जुलाई में ही जाएगा जिस हिसाब से लग रहा है। एक समय लग रहा था कि पेपर आपका जून में हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे स्कूटनी का रिजल्ट भी नहीं आया तो फिर दिक्कत है ना। स्कूटनी के रिजल्ट से देखिए आप सोच रहे होंगे स्कूटनी का रिजल्ट तो सेकंड और फोर्थ का आना है, पेपर तो हमारा फर्स्ट और थर्ड का होगा, लेकिन दोस्तों सेकंड और थर्ड में कुछ रिलेशन होता है। रिलेशन ऐसा है कि कुछ ऐसे बच्चे होंगे सेकंड में जिनको उस समय 3 विषय में बैक लग गई होगी, अगर वो बच्चे स्कूटनी में 1 सब्जेक्ट क्लियर कर जाएंगे तो कम से कम उनकी 2 में बैक रहेगी और वो बच्चे थर्ड का पेपर दे पाएंगे, ठीक है। तो ये मामला फंसता है और इसीलिए इसका वेट होता है। जरा देखते हैं न्यूज़पेपर के माध्यम से क्या अपडेट है। बेसिक शिक्षा विभाग के प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में वर्षों बाद शिक्षकों के जिले में समायोजन की आस जगी है। 30 सितंबर 2023 की छात्र संख्या के आधार पर मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से शिक्षकों के एक से दूसरे विद्यालय में तबादले किए जाएंगे। लोकसभा चुनाव के बाद सरप्लस शिक्षकों को दूसरे स्कूलों में तैनात किया जाएगा, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों यहाँ पर वैकेंसी की बात नहीं हो रही फिलहाल, ये मान के चलिए। देखिए एक टीचर पर, एक अध्यापक पर 30 बच्चों की जिम्मेदारी होती है, ठीक है। किसी भी स्कूल में अगर 300 बच्चे हैं तो वहाँ पर कम से कम 10 टीचर की तैनाती होनी चाहिए। कुछ ऐसे स्कूल होते हैं जहाँ पर टीचर की संख्या बहुत ही कम होती है, और कुछ ऐसे स्कूल होते हैं जहाँ पर टीचर की संख्या ज़्यादा है, बच्चे ठीक है उतनी संख्या में नहीं है, जो ये अनुपात इनका चलता है। तो हम लोग इंतजार करेंगे कि कब तक कुछ अपडेट आ जाए। अपडेट सारी इंपॉर्टेंट होती हैं दोस्तों, और चलिए देखते हैं न्यूज़पेपर के माध्यम से दूसरी अपडेट वैकेंसी को लेकर क्या। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि शिक्षकों की बहाली हमने की, पर कुछ लोग इसका श्रेय लेने में लगे हैं। अब तक 8 लाख युवाओं को नौकरी दे दी गई है, अगले साल से पहले ही हम लोग 10 लाख नौकरी देने का वायदा पूरा करेंगे, इसकी तैयारी मतलब कर ली गई है। मुख्यमंत्री शनिवार को गया के अतरी स्थित जगदीश चंद्र उच्च विद्यालय, भोजपुर के जगदीशपुर नगर के खेल मैदान और गढ़हनी के रामदहीन मिश्र स्टेडियम में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे, ठीक है। तो देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर वैकेंसी की बात हो रही है। देखिए अच्छी बात यही लगती है जब कोई भी सरकार आती है और वैकेंसी की बात करती है कि हम नौकरी देंगे, ठीक है ना, उम्मीद तो जगी रहती है। जरा इस अपडेट को भी देखिए,
ठीक है। गंग नहर घाट परिसर में महिला चेंजिंग रूम के ऊपर सीसीटीवी कैमरा लगाने के मामले में शनिवार को चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। महंत के मोबाइल फोन में पिछले 5 दिन के अंदर नहर में, ठीक है, स्नान करने आई महिलाओं के 300 से अधिक ज्यादा वीडियो फुटेज मिली है। इनमें 70 से ज्यादा चेंजिंग रूम की है। पुलिस मोबाइल का पुराना डाटा रिकवर करने के लिए लैब में भेजने की तैयारी कर रही है। मामले में पुलिस महंत के जब्त किए गए मोबाइल की बारीकी से जांच कर रही है। सूत्रों के अनुसार महंत मुकेश गोस्वामी के मोबाइल में 5 दिन में रिकॉर्डिंग मिली है। पुलिस को अंदेशा है कि महंत काफी समय से यह शर्मनाक हरकत कर रहा था। सीसीटीवी महंत के मोबाइल से कनेक्ट था, जबकि शनि मंदिर घाट के जिम्मेदार महंत का पुत्र, उनकी पत्नी और अन्य लोग संभालते थे। पुलिस को शक है कि महंत किसी गिरोह से मिला हुआ था जो ऐसी वीडियो क्लिप खरीदते हैं। एसीपी नरेश कुमार ने बताया कि महंत का मोबाइल कब्जे में लिया गया है, इसकी लैब में जांच कराई जा रही है। आरोपी की तलाश में 2 टीमों का गठन किया गया है। तो ये बहुत बड़ी खबर है, ठीक है ना। आरोपी पर पहले से 4 मुकदमे दर्ज भी हैं। तो देख लीजिए, अगर आप लोग कहीं पर भी, ठीक है, स्नान करने जाते हैं ना, तो वहां पर जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। ऐसे लोग शर्मनाक हरकत करते हैं, बाद में वीडियो को वायरल करते हैं, फिर आप लोग बाद में परेशान होते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज है। तो लास्ट ईयर दोस्तों हमारा पेपर 3 जुलाई से शुरू हो गया था, ठीक है। इस बार पेपर हमारा 2024 में जल्दी होगा, लेकिन तैयार रहिए आप लोग, और किसी भी प्रकार की कोई बच्चा लापरवाही नहीं करेगा, ये इंपॉर्टेंट बात रहेगी, ठीक है। प्रथम सेमेस्टर, तृतीय सेमेस्टर, बाकी कुछ और अपडेट्स आएंगे तो अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। सोशल मीडिया की तमाम अफवाहें जो फैलती हैं उनसे भी आपको बच के रहना है, ठीक है ना। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उन पर आप लोग यकीन करते हैं बाद में पछताते हैं। वैकेंसी के दोस्तों बहुत से फर्जी विज्ञापन का लिंक आता है सोशल मीडिया पर, आप लोग परेशान होते रहते हैं, ठीक है। तो लगे रहिए तैयारी में, और कुछ भी अपडेट्स आएगी तो अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। स्कूटनी का रिजल्ट, ये इंपॉर्टेंट बात होगी, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत से बच्चे पास होंगे। और देखिए, स्कूटनी रिजल्ट क्लियर होने से एक और फायदा आपको होगा, कम से कम बैक पेपर तो उन्हें देना पड़ेगा ना, ठीक है। तो ये भी आपके लिए फायदे वाली बात है। बाकी परीक्षाएं कब से होंगी, ठीक है, तो पेपर हमारा आप धीरे धीरे जुलाई की तरफ बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अभी हमारा स्कूटनी का रिजल्ट आएगा, उसके मान के चलिए कुछ दिन के बाद ही आपका एग्जाम शुरू होगा। स्कूटनी रिजल्ट के बाद एग्जामिनेशन फॉर्म भरे जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि अगर आपका स्कूटनी में रिजल्ट क्लियर होता है तो फिर ठीक है, बैक वाला मामला ना फंसे। वैसे पेपर उस हिसाब से है नहीं तो दिक्कत आएगी नहीं। एक और बात, क्या सर जी सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर का बैक पेपर होगा, ये सवाल था। तो देखिए, अभी सेकेंड फोर्थ का तो नहीं क्लियर हो पा रहा है और चांसेस भी कम है, और पीएनपी का आपको ढीला डाला रवैया दिख ही रहा होगा, काम कितनी तेजी से चल रहा है सब आप लोग देख रहे हो। तो एग्जामिनेशन फॉर्म के दोस्तों जो फीस की अपडेट आएगी, ठीक है, वो नोटिस में लिखा रहेगा, वो हम आपको क्लियर कर देंगे, क्योंकि आपके कॉलेज वाले डबल ट्रिपल पैसा वसूल करते हैं, ठीक है। अगर आप लोग पहले से जागरूक रहेंगे तो उतना पैसा नहीं देंगे जितना वो मांगेंगे, ठीक है। एक ठीक ठाक डील होगी, 150 रुपये ज़्यादा ले ले ठीक है, लेकिन होता क्या है, 500 का फॉर्म है तो सीधे भैया 1500 मांग होती है, जो ठीक बात नहीं होती। यूपी टेट का पेपर साल के अंत में जाएगा। सुपर टेट, ये एक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन होगा जो इस साल के अंत तक आ सकता है। 2022 बैच को मौका तभी मिलेगा जब आप लोग का डीएलएड का चौथे सेमेस्टर भी कंप्लीट हो, ठीक है ना, और रिजल्ट भी आना चाहिए, ठीक है, फॉर्म भरने से पहले। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। और पेपर जुलाई में जा रहा है, स्कूटी का रिजल्ट जून में आएगा, फिर मिलते हैं।